दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए आधे आधे चले गए, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अचानक बाढ़ आ गई, कुल्लू शिमला में लैंडस्लाइड हो गया, नेशनल हाईवे 5 को बंद करना पड़ा, मनाली हाईवे ब्लॉक हो गया है, उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड है और इस वजह से बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया। बाढ़ की बात करें तो बिहार के करीब 10 जिलों के 858 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जुलाई तक यूपी बिहार के सभी जिलों में आकाशीय बिजली और भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 60 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुदरत का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मॉनसून की बारिश अचानक तबाही की तस्वीर बन जाएगी, ये नहीं सोचा था। पहाड़ों के बीच से होकर बहती मांझी नदी रौद्र रूप में आ जाएगी, नहीं मालूम था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इससे पहले तक सब कुछ सामान्य था, और तभी अचानक आसमान से बरसती आफत तबाही बन गई, और देखते ही देखते जरा देर सब कुछ बहा ले गई। मैकलोडगंज में आज सुबह से भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मांझी नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी का स्तर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है भागसू नाग इलाका, जो मांझी नदी में आई अचानक बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ से भागसू का नाला ओवरफ्लो हो गया। इस नाले में उफान आने की वजह से सड़कों के किनारे लगी कई गाड़ियां बह गई। जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहाते हुए ले जा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि जमीन में कटाव हुआ और नदी से थोड़ी ही दूर पर बने घर नदी की जद में आ गए, लिहाजा किनारे पर जो घर, मकान, दुकानें बनी हुई थी वो भी तेज बहाव में बह गई। और 10 दुकानें थी, अप्रोक्सीमेटली 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे, यहाँ बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं। हर मकान छोड़कर लोग सड़क पर आ गए। करीब 10 दुकानें और 3 घर इन लोगों की आंखों के सामने ही नदी में बह गए और कोई कुछ नहीं कर पाए। पूरी उम्र एक भाई मेरी घर बह गया, मेरी गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी सब बह गया, पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था अभी। ये तस्वीर शिमला की है, जहाँ लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। शिमला के झाकरी में लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे और नेशनल हाईवे का ये हिस्सा तबाह हो गया। सड़कों में दरार आ गई है। हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें देखकर खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मलबे में यहाँ खड़ी गाड़ी दब गई, इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। मॉनसून की दस्तक के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के कई इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने कई जिला में अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
सैलानी और स्थानीय लोगों को नदी नालों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो गया। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद सारा मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आकर गिरा और रास्ता ब्लॉक हो गया। पहाड़ों में जो भी लोग जा रहे आ रहे हैं तो उनको नदी नालों के किनारे ध्यान रखना है कि कहीं पानी एकदम तो नहीं बढ़ रहा है या उसकी चपेट में ना आए। इसी तरह जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स वगैरह जो गिरते हैं बरसात में मानसून सीजन में, तो एक कॉमन चीज भी है, लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती है तो लैंडस्लाइड वाली जो एक्टिविटीज है वो भी ज़्यादा फिर देखने को मिलती है, तो उस लिहाज से थोड़ा जो है सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तस्वीर देखिए, यहाँ भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। बादल फटने की वजह से तेज बारिश हुई और फिर तेज बहाव के साथ आया पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। मानसून आते ही आसमान से आफत बरस रही है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। एक साथ कई राज्य इसकी चपेट में हैं, लेकिन सबसे गंभीर असर पहाड़ों पर हो रहा है। ऐसे में पर्यटकों को यात्रा से बचने की हिदायत दी जा रही है। यूपी से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बिजली गिरने से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर फोर्ट में बने वॉच टावर पर बिजली गिरी, इसमें 20 लोगों की जान चली गई। यूपी के प्रयागराज, कानपुर देहात, श्रावस्ती और उन्नाव समेत 16 जिलों में आकाशीय बिजली से 40 लोगों की मौत हो गई है। कड़कड़ाती बिजली की आवाज जमीन पर पहुंचकर मातम में बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आसमानी बिजली की ये चमक रविवार को मौत के अंधेरे में बदल गई। बारिश के बीच रविवार की छुट्टी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी आमेर फोर्ट पहुंचे थे। कोई किले की बुलंदी से पूरे शहर को आंख भर कर देख रहा था, तो कोई इस खूबसूरती को तस्वीर में कैद कर रहा था। और तभी आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस आकाशीय बिजली की चपेट में कई सैलानी आए, कुछ पहाड़ियों पर गिर गए तो कुछ झुलस गए। लोगों की मदद के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई। ये है आमेर महल के सामने का वॉच टावर, जहां से आमेर महल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस दृश्य को कह सकते हैं कि अपनी सेल्फी में कैद करने के लिए, अपनी फोटोज में लेने के लिए लोग देश भर से यहां पर पहुंचते हैं। कल भी कुछ इसी तरह से लोग यहां पर पहुंचे थे। शाम के समय काफी दिनों बाद मौसम काफी अच्छा हो गया था, दोनों चीजें एक साथ हुई और उसके बाद में भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। और यहां पर जब पहुंचे थे तो अचानक मौसम के साथ साथ में आकाशीय बिजली भी यहां पर गिर पड़ी। राजस्थान में कुदरत के इस कहर ने कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और बारां समेत कई जगहों पर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आकाशीय बिजली से मरने वालों को राजस्थान सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर देहात में 18 लोगों की मौत, प्रयागराज में 11, फिरोजाबाद, फतेहपुर में 3-3, उन्नाव में 2, हरदोई, चित्रकूट समेत 16 जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग घायल हुए और कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी में आसमानी बिजली से 250 पशुओं की भी मौत हुई है। मृतकों के रिश्तेदारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। रोकथाम तो यही है कि आजकल जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी में प्रोविजन है, उसमें ऐसा बनाया गया है कि
लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। कहने का मतलब है अगर खुदा न खास्ता किसी कारण उस बिल्डिंग पे अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो भी जाती है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर के जरिए जमीन के अंदर चली जाएगी बिना कोई नुकसान किए हुए उस बिल्डिंग को। मध्य प्रदेश के बैतूल में मौत भर की दहलीज तक चली आई। लंबे इंतजार के बाद बारिश की फुहार क्या पड़ी। 48 साल के राम घर के दरवाजे पर खड़े थे कि तभी आसमान से बिजली गिरी और उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी बिहार के सभी जिलों में 14 जुलाई तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है। ऐसे में आने वाले दिन इस खतरे के लिहाज से और भी गंभीर होने वाले हैं। जयपुर से शरद पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।